राधे राधे, आज मैं कान्हा जी के लिए ये दो रंग की एक सुंदर सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ। ये एकदम बहुत ही यूनिक डिजाइन में है और इसको अब मैं आपको इन दो कलर में बनाना बताती हूँ। ये हमने 3-4 नंबर की कान्हा जी के लिए बनाई है। इसमें मैंने 18 चेन बनाई है। सबसे पहले 18 चेन बनाने के बाद मैंने हर एक चेन में पहली दो चेन छोड़कर हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद मैंने दूसरी लाइन में हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद हमने 6 डबल क्रोशिया बुने हैं, फिर यहाँ पे 4 छोड़े हैं, फिर 12 बनाए हैं, फिर 4 छोड़े हैं और फिर 6 बुने हैं। उसके बाद हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह हमारी 4 लाइनों में चोली बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको चोली को यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह। अब हम इसमें ये दूसरा कलर लगाते हैं। अब हम ऐसे अपने धागे को ऐसे पकड़ेंगे उनको ऐसे, और इस वाले लूप में से निकाल देंगे इस तरह। अब हम इसको ऐसे बीच में रखेंगे और यहाँ पर इस वाली चेन में आ जाएंगे ऐसे। अब हम एक दो दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें 1, 2, 3 चेन बनानी है। यहाँ पर 2 चेन छोड़नी है और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है 1, 2। अब हमें 1, 2, 3 चेन बनानी है, 2 चेन छोड़नी है, तीसरी चेन में फिर डबल क्रोशिया 1, 2, फिर 3 चेन, और फिर ये 2 चेन छोड़नी है, फिर तीसरी में फिर डबल क्रोशिया। इस तरह हमें अपनी ये लाइन पूरी करनी है। ये देखिए इस तरह। अब हम इसको यहां पे जोड़ते हैं इस तरह। इस तरह हमारी ये लाइन बनके कंप्लीट हो गई है। अब देखो, अब हम यहां पर 2 चेन बनाते हैं और जो ये हमारा लूप है ये वाला, पहले हम इधर से बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 अब इस वाले लूप में बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बना लिया हमने। ये देखिए ये हमारा ऐसे बन गया है। अब हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाएंगे। और अब जो हमने ये वाला बनाया था, ये देखो, पहले हम इधर बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया, फिर इधर बाद में बनाएंगे। एक दो तीन चार पांच छ, अब हम इधर वाले में बनाएंगे इस वाले में 6 डबल क्रोशिया। जो हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम उसमें बना रहे हैं 3, 4, 5, 6। अब हम फिर 5 चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, जो हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना रखे हैं, अब हम इनमें बनाते हैं। पहले इधर वाले डबल क्रोशिया में बनाते हैं जो ये वाला है, और फिर इधर वाले में बनाते हैं 6-6 डबल क्रोशिया ऐसे ऊन लेकर यहां पर। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इसमें बनाएंगे
एक दो तीन चार पांच छः, अब फिर ऐसे आ गई, फिर पांच छीन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए इस तरह हमें ये पूरी लाइन बनानी है। देखो अब हम लास्ट में आ गए हैं, हमने पांच छेन बना ली है। अब हम ये देखिए, जो हमने ये यहां से फली बनानी शुरू करी थी, ये वाली, यहां से इसको ऐसे देखेंगे पीछे से और इसमें ऐसे जोड़ देंगे इस तरह। ये देखो अब हमारा इस वाले ऊन का काम यहां से खत्म हो गया है। अब हम इनको दो छेन बनाकर ऐसे काट देंगे इस तरह। इस ड्रेस को मैं 11 नंबर के क्रोशी से बना रही हूं। अब हम इस वाले कलर से, ये देखो जो हमारी ये नीचे वाली चेन है, ये वाली, ये हम इस वाली चेन में इस वाले ऊन को ले आएंगे अपने ऐसे, और इसमें ऐसे जोड़ देंगे। ये ऊपर वाली चेन हमारी ऐसे ही रहेंगी। अब हम यहां पर 10 चेन बनाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। अब देखो अब हम अपने क्रोशे पर ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात बार ऐसे ऊन लपेटेंगे और इसी चेन के अंदर से ऐसे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ऐसे इसी चेन के अंदर से ऐसे क्रोशे डालेंगे ऐसे, और एक एक लूप को निकाल के ऐसे बनाते रहेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ इस तरह, एक दो तीन चार पाँच छ सात। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। देखो अब हम 10, अब हमने इस तरह इसमें ये 8 लाइनें बना ली हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब हम 10 चेन बनाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। 10 चेन बनाने के बाद अब हम इसको इसी चेन में जोड़ देंगे इस तरह, जिसमें हमने ये सब चेनें बनाई हैं इस तरह। ये देखो इस तरह हमारी ये एक पत्ती यहाँ से और यहाँ तक बन के तैयार हो गई है। अब हम ये दूसरी बनाते हैं। अब हमें ये दूसरे लूप में आना है ऐसे, नीचे वाली चेन का, जो हमने सबसे पहले तीन तीन चेन बनाई थी जब हमने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम इसमें ऐसे जोड़ेंगे इसको, अब 10 चेन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। अब फिर हम एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात बार लेकर फिर इसी चेन से ऐसे निकालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। इसी तरह अब हम इसमें ये 8 बार यही वाली लाइन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर इसी के अंदर से बनाएंगे, हमें 8 बार बनाना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ,
जब ये 8 बार पूरी हो जाएगी फिर 10 चेन बनाकर फिर यहाँ पे जोड़ना है। इस तरह हमें ये नीचे जो भी हमारी तीन तीन वाली चेन है सब में इसी तरह बनाना है। देखो अब ये हमने सब में पूरा कर लिया है इसी तरह पट्टी बनाकर। ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमने ये देखो लास्ट में भी ये वाला पूरा इस तरह बना लिया है। अब हम यहाँ पर इसको इस वाले लूप में जोड़ते हैं जहां से हमने शुरू किया था इस तरह, और अब हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। इस तरह इन धागों की हम फिनिशिंग कर देंगे सबको नीचे करके। अब हम इसमें दूसरा रंग लगाते हैं ये वाला जिससे हमने ये फ्लावर बनाया है बीच में। अब इसको हम यहां से शुरू करते हैं। ये देखिए यहां से ऐसे बीच से क्रोशिया डालना है, एक बार इसमें से ऐसे निकालेंगे। अब हम 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 सात बार ऐसे क्रोशिया डालेंगे, फिर इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दोनों लूप अपने क्रोशिए में रखेंगे। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 नीचे वाली पत्ती में हम हर लूप को साथ साथ पूरा निकालते जा रहे थे, लेकिन ऊपर वाली पत्ती में हमें एक एक लूप अपने क्रोशिए में बचाना है। अब फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अब जब हमारा एक रह जाएगा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी सब में ऐसे ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए 2 4 6 7 सात लाइनें बनी है हमारी, और ये 10 चेन वाली 8 और 1 ये 9। नीचे हमारी 10 लाइनें आई थी दोनों तरफ की चेन को मिलाकर, ऊपर हमारी 9 लाइनें आएंगी। अब हम इन सबको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और अपने लूप से ऐसे ऐसे देखिए इस तरह इन सबको एक साथ ऐसे निकालेंगे इस तरह, और अब इसको एक ऐसे चेन बना के थोड़ा टाइट कर देंगे। अब हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके अंदर से डालेंगे। अब फिर 1 2 3 4
5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तीनों बार इसी के अंदर डालेंगे ऐसे इस तरह। अब 10 चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम जो हमारा ये लास्ट वाला एक लूप बचा है इसके अंदर इसको ऐसे जोड़ देंगे इस तरह। ये देखिए ये हमारी इस तरह पत्ती बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इधर आएंगे ये वाले दूसरे वाले लूप में। ये देखो अब हम इसमें ये यहां पर इसको जोड़ देंगे अगले वाली पत्ती में इस तरह। फिर 10 चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर इन सब के अंदर से फिर निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखो अब फिर इसको ऐसे निकालेंगे फिर एक चेन बना के टाइट कर देंगे फिर 7 चेन बनाएंगे 4, 5, 6, 7 फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे 3 बार 7-7 चेन बनाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब फिर 10 चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर इसको यहाँ पे जोड़ेंगे फिर ये वाली अगली वाली पत्ती पर लेंगे फिर इसको इसमें जोड़ देंगे फिर ये देखिए इस तरह हमें सभी पत्तियां बनानी है। ये हमारी ड्रेस जब पूरी बन के तैयार हो जाएगी तो ऐसे ऐसी ये पत्तियां आएंगी हमारी ये देखिए देखो जैसे इसमें आ रही है। और जब हम सब पत्तियों पे ये बना लेंगे तो लास्ट में ये देखिए मैं आपको इसमें बना के दिखा रही हूँ हम इसको जिस पत्ती से हमने शुरू किया था उसी पत्ती में हम इसको ऐसे ये थोड़ा सॉफ्ट ऊन में ज्यादा अच्छा बनेगा ये वाली सॉफ्ट ऊन है तो ये फ्लावर इसमें ज्यादा उभर के आया है। ये मैंने जो प्लाई के गोले आते हैं वो वाले गोलों से बनाई है। अब ये ऐसे जो जितने भी हमारे धागे होते हैं ऐसे हम उल्टी तरफ से उनकी फिनिशिंग कर देते हैं इस तरह रेड कलर वाले धागे को रेड कलर के अंदर और क्रीम कलर वाले धागे को क्रीम के अंदर जिससे कि दिखाई नहीं देता है। ऐसे ये देखिए इस तरह हमारे कान्हा जी की ये सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है।
ये देखो ये कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है। इसको आप ऐसे भी उभार सकते हो, इस तरह इन पत्तियों को आप किसी भी स्टाइल में कान्हा जी को पहना के सेट कर सकते हो। उनकी ड्रेस अगर हम थोड़ा स्टाइल से पहनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ये देखो देखो ऐसे उभार देके भी पहना सकते हो। देखिए ड्रेस हमारी कितनी सुंदर बन के तैयार हो गई है। आप इसको सॉफ्ट ऊन में बनाना, ये मैंने आपको प्लेन ऊन में बनाने की वजह से इस वाली ऊन में बनाकर दिखाई है ड्रेस। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।